नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है इस हिंदी की वीडियो में, यानी संज्ञा और सर्वनाम की एक धमाकेदार वीडियो, जहां से क्वेश्चंस का लेवल अब कठिन हो चुका है। एग्जामों में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, अब आपसे एक एग्जाम्पल दे देगा या उदाहरण दे देगा, तो बोलेगा कि सर ये बता दीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम का कौन सा ये भाग है, या फिर संज्ञा के कितने भाग होते हैं, सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, ये कौन कौन सा पार्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को फास्टली देखते हैं, सुपर फास्ट वीडियो में एक कॉपी एक पेन ले लीजिएगा। कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक के लिए हमें फाइट करना है। गुरुजी वर्ल्ड में आए हैं तो यहां पर आपका लाभ ही होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लें बेहतर स्टडी प्लान के लिए। सभी परिवारों को एवं आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करते हैं संज्ञा की। सभी जानते हैं स्टार्टिंग से बचपन में रटते हुए आए हैं द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस 200 आर्थिंग डॉट 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 करके, है ना। लेकिन अभी बात करते हैं हिंदी की, तो वही मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंट है प्रकारों में। अगर हम देखें कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें, व्यक्ति क्या है, रामू हो सकता है, श्यामू हो सकता है, राम श्याम कुछ भी हो सकता है, वस्तु पेन हो सकती है, किताब हो सकता है, स्थान कानपुर हो सकता है, भाव भी कुछ हो सकता है, जैसे बुढ़ापा, ठीक है ना। इस टाइप में बहुत चीजें होती हैं। अगर हम बात करें यहां पर संज्ञा के भेद, तो दोस्तों हिंदी में संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं तीन। वैसे माने जाते हैं दोस्तों पांच भेद, लेकिन क्या है, हिंदी में आपको अगर पूछे कि भेद कितने हैं, तो आपको संज्ञा यानी नाउन कहते हैं इसको, इस संज्ञा में कितने भेद होते हैं दोस्तों हिंदी के पेपर में आपको क्या लगाना है, तीन भेद माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम तीन भेद की बात करें, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों बस तीन तक ही आपको सीमित रहना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक एग्जाम्पल दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से ये बता दीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा का कौन सा ये है, या भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब हम चलते हैं एक एक पढ़ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो दो लाइन का है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, आप नाम से जान रहे होंगे व्यक्तिवाचक। अब ये मत समझना कि इसमें कोई व्यक्ति ही आएगा, याद रखना इसमें व्यक्ति आ सकता है, वस्तु आ सकती है, स्थान का नाम या बोध हो, तो दोस्तों याद रखना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ध्यान देना, हमेशा बच्चे यही सुनते आए हैं कि व्यक्तिवाचक होगा तो व्यक्ति होगा, जी नहीं। जब भी व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो, जैसे रामेंद्र, कर्मेंद्र, ठीक है ना, राम श्याम मोहन इत्यादि जो भी नाम है, तो भैया वो व्यक्तिवाचक में होगा, एक उसका नाम है, ठीक है ना, राम सीता कुछ भी लक्ष्मण हो सकता है। जैसे बोला कि कलम, जी हाँ ये क्या है, ये कलम है, उसका कोई ना कोई यहाँ पर व्यक्तिवाचक में लिया गया। दिल्ली, दिल्ली में बोला कि नाम है, ठीक है ना, आगरा नाम है, मेज बिल्कुल सर नाम है, यहाँ पर पुस्तक भी यहाँ पर नाम है, ये सारे व्यक्तिवाचक में आता, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अगर भेद जानना चाहते हो, तो जातिवाचक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये है कि जातिवाचक में कोई भी विशेष नाम ना हो, जैसे विशेष समूह का बोध आता है, जैसे आपकी समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो नहीं पढ़ते हो, वो सभी जातिवाचक में आ जाती हैं। जो समूहवाचक संज्ञा होती हैं वो जातिवाचक में आ जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वो भी जातिवाचक में आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं विशेष समूह का बोध हो, जैसे पुलिस हो जाता है, सेना किस में आती है, समूह में आती है ना, तो वो भी जातिवाचक में भी हम कर देते हैं जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं। मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक है। पर्वत, बहुत सारे पर्वत चले गए, बहुत छोटा बड़ा, ठीक है ना। हाथी की बात होती है, एक जाति पूरे समूह की बात कर रहा है, देश की बात कर रही है, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, क्लियर। बहुत नदियां हैं, मिस्र की नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, गोदावरी, ठीक है ना। बालक, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। अध्यापक, हिंदी का अध्यापक, कोई भी अध्यापक, वो अध्यापक, मेरे बगल वाला अध्यापक, ठीक है ना। विशेष नाम हो जिसका, विशेष नाम ना हो जिसका, और यहाँ पर विशेष नाम हो जिसका, जी हाँ बहुत बढ़िया। तो दोनों में अंतर समझे। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन बहुत बार आया है आपसे, डायरेक्ट ये पूछ देगा, 100% आता है आपसे, कह देगा कि जो गरीबी है वो कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस होंगे जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है ना, द्रव्यवाचक, ऐसे दे देगा। याद रखो मेरे भाई कि भाववाचक संज्ञा में जिसको आप छू नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, जैसे ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हो, मतलब देख नहीं सकते उसको, आप देख नहीं सकते गरीबी को, देख नहीं सकते, ठीक है ना, बुढ़ापा को देख नहीं सकते, सुंदरता को देख नहीं सकते। याद रखना बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता, गरीबी, अमीरी, ये सभी क्या है, ये बोध कराते हैं आपको भाव और गुणदशा को, लेकिन इनको ना ही आप स्पर्श कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लंबा छोटा, क्लियर है ना, याद रखना मेरे भाई, जी हाँ।
अब हम चलते हैं यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों क्या है, देखो हमने पूरा संज्ञा इतना टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और छोटे वीडियो में, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे कॉन्सेप्ट में घुस जाए दिमाग पे। हमें वो नहीं पढ़ना है सर कि जो हमारे सिलेबस से भी आउट हो और सिलेबस के अलावा हम इतना सारा पढ़ लें ढेर सारा, जिसे हम एग्ज़ाम में जाने से पहले ही भूल जाएँ। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम देखो, नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन होता है मैंने ऊपर पढ़ा चुका हूँ, और इसके आगे लगा देता है प्रो, यानी ये भी प्रो और नाउन वैसा ही हो जाता है। प्रो माने पहले, यानी यहाँ पर नाउन के स्थान पर जो भैया यहाँ पर प्रयोग होता है वो होता है सर्वनाम। अब कैसे, जैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अब सबका नाम मतलब जैसे मैं बोलूँ कि आपका नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे प्रीति, जैसे कोई लड़की है प्रीति, प्रीति स्कूल गई, स्कूल जाती है, ठीक है ना, प्रीति स्कूल जाती है, तो यहाँ पर ये प्रीति जो है ये नाउन हो जाएगा। वह बहुत अच्छी लड़की है, आगे मैं और लिख रहा हूँ प्रीति स्कूल जाती है, वह बहुत अच्छी लड़की है। तो दोस्तों वह जो है ना, वह जिस जो प्रयोग हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये प्रीति के लिए प्रयोग हुआ है, यानी वह बहुत अच्छी लड़की है। कौन अच्छी लड़की है, तो कहोगे प्रीति, तो जो वह है ना, अब की बार मैंने पहले प्रीति का यूज किया, अब मैं प्रीति का यूज ना करके वह का यूज कर रहा हूँ। तो जब वह अच्छी लड़की है तो दोस्तों वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीति के लिए वर्ड यूज हो उसको ही हम सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के लिए जो वर्ड यूज हो उसको ही हम कहते हैं। ये क्यों सर्वनाम का यूज किया जाता है, क्योंकि जो शब्द होता है, सेंटेंस होता है, वो कहीं ना कहीं भद्दा ना लगे। जैसे मैंने अभी लिखा प्रीति स्कूल जाती है, वह बहुत अच्छी लड़की है, मैंने ये लिखा। अगर मैं सर्वनाम का प्रयोग ना करता, मैं लिखता चला जाता पूरी कहानी, प्रीति स्कूल जाती है, प्रीति अच्छी लड़की है, प्रीति ने कल खाना खाया, प्रीति कल घूमने जाएगी, तो देखो भद्दे सेंटेंस हो गए। अगर हम वह लगाते जाएंगे, यह लगाएंगे, वे, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है, ये आपको पता हो गया। जैसे मैं होता है, तू होता है, तुम होता है, आप होता है, वह होता है, क्लियर, ये आपको पता है। ये सभी क्या होते हैं, हम जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी संज्ञा के जगह पर सर्वनाम प्रयोग होते हैं। सभी क्या हैं, सर्वनाम है। जैसे मैंने अभी बताया प्रीति वाला, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, रामू एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, तो रामू के लिए क्या हुआ यूज, वह हुआ यूज। तो यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसमें, आपसे डायरेक्ट एक उदाहरण दे देगा और आपसे कह देगा कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम और संज्ञा में फर्क जानना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम जानते हैं सर्वनाम। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस होते हैं 4, 6, 7, 8, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन, तो यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें कौन से 6 प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको एक एक पढ़ूंगा मैं, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और मैं चलता हूँ चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और जो है छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है आपको लगाने पड़ेंगे। साथ में बता देता हूँ कि ये सर्वनाम आपको डिटेल में ये ऐसे पूछ लेगा, एक उदाहरण दे देगा और निम्न में से कह देगा प्रश्नवाचक सर्वनाम बता दो, निजवाचक बता दो, पुरुषवाचक बता दो। तो अब आते हैं, पहला हम लेते हैं, दो दो लाइन का है। जैसे बोला कि मुख्यतः तीन पुरुष होते हैं, तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी ऊपर किया था, जैसे बोला गया कि उत्तम पुरुष के लिए मैं होता है, मध्यम पुरुष के लिए तू होता है, और अन्य पुरुष के लिए यहाँ पर वह होता है, ठीक है ना, ये आपको मैंने ऊपर अभी बताया था। अगर मैं कहूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है कि वह सर्वनाम निकट या दूर की ओर इशारा करता है। जैसे बोला कि मैं मेज पर बैठा हूँ और मैंने कहा अपने जो है लड़के से, या अपने भाई से, या अपने बहन से, किसी से कहा कि भैया, ये बोला कि इस पुस्तक को ले आओ। अब इस पुस्तक को ले आओ मतलब है कि संकेत मैंने किया कि वो पुस्तक कहाँ पर रखी है, यह पुस्तक है, यह कमरा है, तो यानी आप संकेत कर रहे हो, ठीक है ना, यह दीवार है, संकेत करके बात करेंगे तो निश्चयवाचक होगा। अगर अब हम क्वेश्चन में एक आंसर आ जाता, एक क्वेश्चन आ जाता कि बाहर कोई, एक उदाहरण आपको दे देता एग्जाम में कि बाहर कोई है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, तो जब भी बाहर कोई है, अब अगर आप आज पढ़ लोगे तो आंसर लगा दोगे कि वह सर्वनाम जिससे पदार्थ व्यक्ति का बोध ना हो, यानी अनिश्चित हो, कुछ पता ना हो, तो बाहर कोई है, कौन है, ठीक है ना, याद रखना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अनिश्चय चीज़ें हों तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो,
यानी संज्ञा और सर्वनाम के लिए जो प्रयुक्त हो, किसके लिए? संबंध दिखाने के लिए। अब संबंध कैसा? जैसे एग्जाम्पल, जो करेगा सो भरेगा, वैसा ही संबंध दिखाएगा कि इनका आपस में जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये दोस्तों कैसा हो जाएगा? संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा दोस्तों होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे प्रश्नवाचक? जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुमको कहाँ जाना है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है ना, कौन आया है, कौन खटखटा रहा है। अगर यहाँ पर प्रश्न की बात करें, यहाँ पर जब भी बात करें WH वर्ड की, हु, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए तो हमेशा आंख बंद करके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं लास्ट निजवाचक सर्वनाम। देखो, निजवाचक जो सर्वनाम होता है दोस्तों, वहाँ पर जहाँ निजत्व का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं खुद लिख लूँगा, यानी मैं खुद लिख लूँगा, दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक की बात आई, ठीक है ना, मैं खुद खा लूँगा, ठीक है ना, तुम खुद खा लोगे। यानी अगर हम बात करें कि निजवाचक की बात आए, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको सामने दिखा, एकदम से पता चल जाएगा कि ये निज यानी अपने लिए बात कर रहा है, अपने स्वयं के लिए बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा जो है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? क्रिया विशेषण और यहाँ पर क्रिया से, यानी बहुत क्वेश्चन आते हैं पहचानने के लिए, ठीक है ना, विशेषण क्रिया विशेषण से, तो वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। कृत्यवाच्य भाववाच्य हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं, समास से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, संधि से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, रस से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये जल्दी जल्दी 10-10 मिनट की वीडियो है, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर आप कमेंट करते हो, वो फटाफट अभी खत्म कर लो। अभी का मतलब है अभी, आज का मतलब है आज, ठीक है ना, लिख डालो। जय हिंद, वंदे मातरम, यूं ही आप मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पढ़ाने का तरीका आपके अनुसार ही चलता है। हमारा प्यार आपके लिए बरकरार हमेशा रहेगा। जब भी आप कोई भी परेशानी में होंगे हमें याद करिएगा, आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।